गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में मैक्रोनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है आप लोगों को। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ली है कढ़ाई, उसके अंदर हम डालेंगे पानी। और पानी के अंदर मैं डालने वाली हूँ नमक और 1 स्पून ऑयल और जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैक्रोनी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और साथ ही में मैंने 2 टमाटर लिए हैं जिसमें मैं कट लगा करके इसके अंदर डालूंगी। इस तरह से कट लगा के हमें इस मैक्रोनी के साथ बॉईल करना है। बॉईल होने के बाद में हम इसे अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो हमारे टमेटोज हैं उनकी स्किन अलग करके इसको ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेना है। और जो मैक्रोनी है उसको हम वॉश कर लेंगे ठंडे पानी से, जिससे इसका कुकिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाए। और उसके बाद में हम लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे ऑयल और साथ में गार्लिक्स डालेंगे बारीक कटे हुए और ऑनियन डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। एंड उसके बाद में इसमें बारीक कटी हुई मिर्ची ऐड कर रही हूँ मैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं और अगर आपको कोई और वेजिटेबल्स ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाला है टमेटो पेस्ट और साथ में थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे हम और इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्ची पाउडर, नमक और साथ में हल्दी पाउडर और साथ में मैंने इसमें ऐड करी है टमेटो केचप, मेयो और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और अजीनोमोटो। इन सभी को मिक्स करके अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे हम इसको। दो से तीन मिनट के बाद हमारी सॉसेस हो जाएगी कुक तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे बॉइल करी हुई मैक्रोनी। और उसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर देना है सॉसेस के अंदर। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है इसे। और उसके बाद में हमें कोरिएंडर लीव्स डालनी है इसके अंदर और इसको सर्व करना है। और इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।